हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास भी ओवरवॉच 2 में लॉगिन एरर आ रहा है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको विंडोज़ 11 के स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है आप यहां पर देख सकते हैं battle.net, तो आपको जो है इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है। फिर आपको यहां पर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। स्टेप टू, आपको विंडोज़ 11 सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट, ओके। उसके बाद आपको यहां पर राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर एक और कमांड टाइप करना है, इस तरीके से आपको यहां पर टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। फिर आपको जो है स्टेप 3 फॉलो करना है। आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज अडैप्टर सेटिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करना है। फिर आपको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आप इसको सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहां पर देख सकते हैं यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, प्रीफर्ड DNS सर्वर आपको इस तरीके से टाइप करना है, अल्टरनेट DNS सर्वर आपको इस तरीके से यहां पर टाइप कर देना है। फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहां पर सारे सेटिंग को जो है क्लोज कीजिए। उसके बाद स्टेप 4, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में आना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहां पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास यहां पर विंडोज़ का अपडेट शो हो रहा है तो आप उसको अपडेट कीजिए। आपके पास विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास विंडोज़ अप टू डेट है, मैं यहां पर इसको क्लोज़ कर लेता हूं। उसके बाद आप स्टेप 5 फॉलो कीजिए। आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में आना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर एडवांस नेटवर्क सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क रीसेट, तो आप जो है यहाँ पर रीसेट नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।